आपको स्वागत है खोजी घर में। और आज मैं बना रहा हूँ पिज्ज़ा कुलचा, तो इसे जल्दी से बनाता हूँ। बहुत टेस्ट होने वाला है, आप घर पे बनाना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, ठीक है, जल्दी से बनाते हैं। मेरे पास थोड़े से नाचोस पड़े हुए हैं, तो मैं नाचोस डाल दूँगा क्योंकि क्रंची पन आएगा तो आएगा ही। तो इसे शुरू करते हैं जल्दी से। अब बहुत टेस्टी होने वाला है भाई, मैंने भर भर के तो डाल दिया और भाई क्रंची पन बिल्कुल आने वाला है। तो यार अब इसे साइड में रखते हैं और अब डालते हैं भाई यार पनीर। तो पनीर लेते हैं और डालते हैं पीसेस में डालूंगा, मुझे पीसेस वाले अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं डालूंगा पूरा अच्छे से, चलो पीसेस वाले ही डालते हैं। मम्मा ने काट के पीसेस डाल दिए, तो ये हो गया तैयार। तो हो ही गए लगभग बच्चों को, मेरा बैलेंस नहीं बनता ना फिर। और पता है बहुत इजी है बनाना इसे, मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और भाई मैं एयर फ्राई में बनाऊँगा क्योंकि एयर फ्राई में पता है क्रंचीपन और चीज़ मेल्ट। ओ भाई हाँ, चीज़ भी तो डाले ना, चीज़ मेल्ट हुई मस्त वाली, उससे तो फिर मज़ा आ जाएगा यार। अब हो चुका है ये पनीर का मटेरियल तो खत्म। मैं नाचो इसलिए नीचे डाले क्योंकि क्रंचीपन आता मस्त है नीचे, ठीक है। अब सही है, दूसरे पीछे और डाल देते हैं। और ये पनीर नहीं होगा क्योंकि मज़ेदार फिर है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब लेते हैं मेरे पास स्वीट और नहीं, एक बार अब दिखाता हूँ, ये केचप है और स्वीट और स्पाइसी वाली तो यार बहुत मस्त होती है, इसी डालते हैं। गो 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 बस जस्ट थोड़ी सी डाली है कि ये तो टेस्ट में जान डाल सकती है इसीलिए। और मेनली इसमें पासे हुई सॉस तो डालनी चाहिए। और आप बताओ म्यूनिस भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी म्यूनिस नहीं। और भैया मुझे बताओ म्यूनिस ज़्यादा नीचे लगाने में मज़ा नहीं आता, सारा ख़राब हो जाएगा। पर आपको लगानी चाहिए ऐसे, आपका टेस्ट है, आप बनाना। और अब आती है हमारी मेन चीज़ पिज़्ज़ा चीज़ और रिजेला अमूल के, तो इसे डालते हैं अभी यार। अब इसे फ्राइंड करके इसमें डालते हैं जल्दी से। ग्रेट, अरे अब वॉइस ओवर करनी है मुझे। फ्रेंड्स लास्ट में आता है हमारा ओरिगैनो, उसके अलावा तो यार पिज़्ज़ा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर ओरिगैनो डालनी चाहिए, मज़ा तभी आएगा और भर भर के वो भी। और मैंने सोचा कि पेरी पेरी भी डाल सकता हूँ, ये नया नई चीज़ बन रही है तो पेरी पेरी भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा डालेगी, ज़्यादा नहीं, मेरा बहुत प्यारा है यार, इससे रिश्ता बहुत पुराना है। चलो बहुत काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। तो यार मैंने थोड़ा सा ये सोचा है ग्रीन चिली सॉस डाल लेगा थोड़ी सी डालेगी ऊपर से, क्योंकि जितना स्पाइसी और क्रंची बनाएगा उतना ही मज़ा है यार। भी सोचो बस, अब जो मेल्ट करके दिखेगा वो आप सोच ही लो यार। फ्रेंड्स 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 फाइनली अब बन चुका है हमारा कुलचा पिज़्ज़ा। और भाई अब इसे बेक करने की बारी है, तो चलते हैं फ्राई में और बेक करते हैं जल्दी से इसे। भैया बहुत टेस्टी होने वाला है। और भैया अब म्यूनिस भी डालना और जो नाचोस डाले हैं उसका क्रंचपन आपको दिख ही जाएगा। इधर लगा तो नाचोस और बनाना नाचो, नहीं इसका नाम लिखता हूँ, इसका नाम होगा नाचो पिज़्ज़ा कुलचा। तो इसे जल्दी से बेक करते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स फाइनली हमारा वन किच तैयार हो चुका है, नाचो पिज्जा कुलचा तो यार सब टेस्ट करते हैं। और भाई इसे रेटिंग अभी देंगे अभी। और भाई यार मतलब आपको इसे बताऊँ, 6 मिनट तक ना मैंने 8 मिनट का टाइम लगा था, मैंने देखा कि 6 मिनट का होना चाहिए, पर आप 6 मिनट पर लगाना तो आपको हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग का था ना, तो इसी वजह मुझसे पूछा तो टाइमिंग का। यार आप टेस्ट करते इसे अभी, यार बहुत क्रंची भी हो रहा है साइड से। तो बाय।